जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पीएफ अकाउंट यानी कि यूएएन नंबर को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किसी भी काम करते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट ओपन किया जाता है। अगर आपका पीएफ अकाउंट ओपन किया जाता है तो अगर फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करने आते हैं तो आपको अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट करना होता है। तो कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाने और बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो पीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आ जाना है। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, या आप सिंपली अपने मोबाइल के या अपने लैपटॉप के सर्च कर सकते हैं यूएएन। सिंपली जैसे ही सर्च कर लेंगे आप इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आप आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको अपने मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे तो आप अपने मोबाइल में थ्री डॉट आपको ऊपर दिखता है, इस पे क्लिक करेंगे और मोबाइल में एक ऑप्शन दिखता है डेस्कटॉप साइट को ऑन करने का, तो वहां पर एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल आपके लैपटॉप की तरह खुलने लगेगा। तो आपका यूएन का वेबसाइट आपके मोबाइल में भी खुल जाएगा। इसके बाद में आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा एक्टिवेट यूएएन नंबर। अगर आप अपना यूएन नंबर भूल गए हैं तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से भी आप उसको देखकर और देख सकते हैं कि आपका यूएन नंबर क्या है। वैसे जैसे ही आपका पीएफ अकाउंट से पैसा कटता है यानी कि पैसा ऐड होता है आपके पीएफ में, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है और उसमें यूएन नंबर मेंशन किया होता है। तो मैं एक्टिवेट यूएन वाले ऑप्शन पे हाँ क्लिक करना होगा आपको। फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है जिसमें आपको देख क्या क्या भरना होगा। सबसे पहले यूएन नंबर, अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है, आपके पास मेंबर आईडी है तो आप यहाँ पर मेंबर आईडी भी चूज कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करते हैं, मेंबर आईडी का ऑप्शन आ गया है, अब आप मेंबर आईडी भी भर सकते हैं। लेकिन मेरे पास यूएन नंबर है तो मैं यूएन नंबर ही रहने देता हूँ। इसके बाद में यहाँ आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, आपके आधार कार्ड के अनुसार आपका नाम क्या है यहाँ डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, आधार कार्ड के अनुसार आपका मोबाइल नंबर क्या है यहाँ पर डाल देना है, यानी कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ डालिएगा। इस कैप्चा को फिलअप करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड गेट ऑथराइजेशन पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड कर देंगे। तो जैसे ही गेट ऑथराइजेशन पिन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये आ जाएगा, एन ओटीपी हैज बीन सेंट योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। यहाँ आपको ओटीपी मेंशन करना होगा, देख सकते हैं आपका यूएन नंबर क्या है, सब कुछ आ गया। इसके बाद में यहाँ इंटर ओटीपी, यहाँ आपको अपना ओटीपी डाल देना है एंड वैलिडेट ओटीपी एंड एक्टिवेट यूएन वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर देना है। योर यूएन हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली एंड डिफॉल्ट पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, काइंडली चेंज योर डिफॉल्ट पासवर्ड यूजिंग चेंज पासवर्ड फंक्शन अपॉन सक्सेसफुल लॉगिन। अब इसके लिए देखिए आपको टेम्परेरी आपका एक पासवर्ड भेज दिया गया है, अब आप उसको पासवर्ड को चेंज करना है, उसके लिए क्या करना होगा, दोबारा आप यहाँ देख सकते हैं होम वाले ऑप्शन पे यहाँ आएंगे और अपना यूएन नंबर यहाँ पर डालेंगे और वह टेम्परेरी पासवर्ड जो आपके पास आया है उसको यहाँ फिलअप करेंगे एंड इस कैप्चा को फिलअप करेंगे एंड साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं ये अपना मैं यूएन नंबर यहाँ पर डाल दिया हो एंड पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड मतलब टेम्परेरी पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। जो टेम्परेरी पासवर्ड आपके मोबाइल पे आता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मतलब परसेंटेज का सिंबल होगा, डॉलर होगा, एबीसीडी 1 2 3 बहुत सारा साथ जो होता है, शायद 10 15 अंकों का। इसके बाद देख सकते हैं इस कैप्चा को फिलअप करेंगे, इस कैप्चा वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कर देना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे अब आपको दोबारा अपना ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा जो आपके मोबाइल पे आया था एंड न्यू पासवर्ड जो आपको बना रहे हैं वो, और उसी न्यू पासवर्ड को यहाँ कन्फर्म कर देना है। पासवर्ड देखिए कैसा यूज कीजिएगा, पहला अक्षर कैपिटल, कुछ स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल करेक्टर एंड इसके बाद में कुछ नंबर होने चाहिए, ये पासवर्ड ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए न्यू पासवर्ड का। यहाँ डालने के बाद में इस कैप यहाँ इस बॉक्स को यहाँ फिलअप करेंगे, इसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा गेट आधार ओटीपी, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा, गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, गेट आधार ओटीपी मैंने क्लिक किया, आर यू सेव टू चेंज पासवर्ड, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप दोबारा आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड आधार कार्ड से है उस पे दोबारा ओटीपी आएगा, तो चल यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया। इसके बाद चेंज पासवर्ड वाले यहाँ ऑप्शन पे दोबारा आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे अब आपको लोडिंग दिखाई देगा और पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली काइंडली लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड क्लिक हियर टू लॉग इन, तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। दोबारा आपको यूएन नंबर डालेंगे, जो आपने नया पासवर्ड बनाया उसको डालेंगे, इस कैप्चा को फिलअप करेंगे, साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं मैं अपना पीएफ अकाउंट ओपन कर चुका हूं। इसके बाद में यहाँ का ऑप्शन आता है फाइल नाउ का ऑप्शन,
देखिए ये क्या होता है नॉमिनेशन ऐड करने का, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नॉमिनेशन कैसे ऐड किया जाता है उस पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद देख सकते हैं ये मेरा अब खुल चुका है मेरा फुल डिटेल। इसके बाद देख सकते हैं इसके बाद में यहाँ आएंगे तो पासबुक वाला ऑप्शन मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पासबुक में कितना पैसा है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, अभी आपने यूएन नंबर एक्टिवेट किया, अभी आपने पासवर्ड चेंज किया, तो अभी आप तुरंत जाके पासबुक खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। कम से कम आपको 2-3 घंटे का वेट करना होगा, क्योंकि वहां पर पासवर्ड एक्टिवेट होने में कुछ टाइम लगता है, तो पासबुक खोलने के लिए 2-3 घंटे का वेट कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद में हम इसके अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि आप अपना केवाईसी कैसे कर सकते हैं, तो केवाईसी करने के लिए क्या करना होता है अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप अपने पीएफ में बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, कैसे आप ऐड करेंगे, सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब भी आप इसको देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे केवाईसी कंप्लीट करना है, सभी कुछ, पैन कार्ड लगाना हो, बैंक लगाना हो, पासपोर्ट लगाना हो, सब कुछ बता दूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। अगर आपने चाहते हैं कि आपके अपने दोस्त भी अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर लें तो उनके पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।